नेक्स्ट रिक्वायर्ड पैटर्न इज गिवन वन, हाउ टू डिस्प्ले गिवन पैटर्न्स। अगेन इस पैटर्न में सबसे पहले फाइंड आउट करें नंबर ऑफ रो। रो कितने इसके इसमें फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थ्री रो एंड फोर्थ रो। टोटल रो कितने हैं? मैक्सिमम फोर रो, इसलिए आउटर लूप कितनी बार चलाएं? फोर टाइम्स। सपोज दैट एन इज एंटर्ड एज फोर, अगर एन का वैल्यू फोर है देन लॉजिकली इस कंडीशन का मीनिंग क्या हुआ? लाइक आई लेस देन इक्वल्स टू फोर, इसलिए लूप आउटर लूप कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ? फोर टाइम्स। इस केस मैंने एन के फॉर्म में प्रोवाइड किया, जिससे आपके लिए कोई भी पैटर्न डिस्प्ले कराना पॉसिबल हो या नहीं। इसमें भी इन द फॉर्म ऑफ 4x4 मैट्रिक्स और इन द फॉर्म ऑफ 5x5 मैट्रिक्स लाइक दैट। नेक्स्ट वन सिमिलरली कॉलम्स, इस केस में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? देयर आर फोर कॉलम्स, मीन्स कॉलम्स के अंदर कुछ प्लेसेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? स्टार, कुछ प्लेसेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है? स्पेस। लेकिन टोटल कॉलम्स अगर देखे जाए तो टोटल कॉलम्स कितने हैं? फोर कॉलम्स। इनर लूप भी कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? फोर टाइम्स। अगर एन का वैल्यू फोर है देन इसका मीनिंग क्या होगा? लेस देन इक्वल्स टू फोर। इस फाइनली इनर और आउटर लूप के कंडीशंस में कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। अभी तक मैंने इस प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस परफॉर्म नहीं किए। जब भी आप पैटर्न चेंज करोगे इस सीक्वेंस में ओनली चेंजेस किस प्लेस पर करना है? इनसाइड इफ कंडीशंस। इफ कंडीशन क्या हुआ? इस मैट्रिक्स के भी आप पर ऑब्जर्व करना पॉसिबल नहीं। इस पर्टिकुलर लोअर पैटर्न के केस में रिक्वायर्ड क्या है? इन दैट केस मीन्स आपको कोई भी ऐसा कंडीशन अप्लाई करना जिस केस में इन एलिमेंट्स को फिल्टर करना पॉसिबल हो। मीन्स कंडीशंस किसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए? दैट वन, दैट पार्ट, लोअर पार्ट। लोअर पार्ट के केस में अगर प्रॉपरली रिलेशन चेक किया जाए तो इस केस में रिलेशन कौन सा अप्लाई हो रहा है? मीन्स इन दैट केस अगर आई वैल्यू और जे वैल्यूज में रिलेशन कैलकुलेट करें तो सभी केसेस में आई वैल्यू कैसा है? हेयर आई इज ग्रेटर देन जे। फर्स्ट टाइम चेक इट, मीन्स कंडीशंस भी ऐसा अप्लाई करना चाहिए। मीन्स कंडीशन अप्लाई करने का मतलब ये नहीं कि लोअर केस में सेटिस्फाई हो रहा है देन सफिशिएंट, नॉट सफिशिएंट। मीन्स कंडीशन ओनली स्पेस वाले एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, स्टार वाले किसी भी एलिमेंट के लिए सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या है? आई ग्रेटर देन जे। चेक इट, फर्स्ट टाइम आई वैल्यू क्या है? टू, जे वैल्यू क्या है? वन, मीन्स ट्रू। नेक्स्ट टाइम चेक करेंगे, आई वैल्यू क्या है? थ्री, जे वैल्यू क्या है? वन, ट्रू। थर्ड केस में क्या है? आई वैल्यू इज फोर, जे वैल्यू इज वन, अगेन टू। नेक्स्ट वन थ्री, ग्रेटर देन टू, ट्रू। देन आई वैल्यू क्या है इस केस में? फोर, जे वैल्यू इज टू, फोर ग्रेटर देन टू, ट्रू। नेक्स्ट टाइम आई वैल्यू इज फोर, जे वैल्यू इज थ्री, अगेन ट्रू। अब चेक करूंगी से कंडीशन इस केस में तो सेटिस्फाई होना कंपलसरी था, लेकिन रिमेनिंग केसेस में अगर सेटिस्फाई हो रहा था नहीं, लॉजिक कैसा हुआ? इनवैलिड। चेक करते रिमेनिंग केस में सेटिस्फाई तो नहीं हो रहा है। फर्स्ट वन, वन ग्रेटर देन वन, फॉल्स। सेकेंड 1. 1 greater than 2, true or false? Again false. Next one, 1 greater than 3, false. 1 greater than 4, again false. Next time, 2 greater than 2, false. 2 greater than 3, again false. 2 greater than 4, again false. Next time क्या है? 3 greater देन थ्री, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। नेक्स्ट टाइम थ्री ग्रेटर देन फोर, अगेन फॉल्स। नेक्स्ट टाइम फोर ग्रेटर देन फोर। मीन्स रिमेनिंग सभी केस में सेम कंडीशन कैसा वैल्यूड होगा? फॉल्स। फॉल्स वैल्यूड होगा तो डिस्प्ले क्या हुआ? स्टार। ट्रू वैल्यूड होगा, डिस्प्ले क्या हो जाएगा? स्पेस। तो फाइनली इस केस में कंडीशन क्या अप्लाई करेंगे? आई ग्रेटर देन जे। इस केस में डिस्प्ले क्या हो जाएगा? गिवन पैटर्न फोर एनी सीक्वेंस और एनी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। क्योंकि इस केस में लॉजिक किस फॉर्म में इंप्लीमेंट की? इन द फॉर्म ऑफ एन।